बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो की तरफ जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप मछली खा रहे हैं और मछली खाते हुए कांटा आपके गले में फंस जाए तो आपको फौरी तौर पर क्या करना चाहिए। मछली खाना हर किसी को पसंद है, लेकिन अक्सर हम इसकी वजह से मछली नहीं खाते कि कहीं कांटा गले में ना फंस जाए। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे गले में कांटा नहीं फंसेगा, अगर फंसेगा तो निकल जाएगा और उसके बाद आप बग़ैर किसी डर के मछली खा सकते हैं। और वो तरीका ये है, अगर मछली का कांटा हलक में फंस जाए तो ये बहुत तकलीफ़ देता है, बहुत पेन होती है, और अगर हम ज़्यादा इसके साथ कोशिश करते हैं तो गले में ज़ख़म भी बन जाता है। तो इसे ख़त्म करने का, इस तकलीफ़ को ख़त्म करने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ। मछली का कांटा गले में फंस जाए तो फ़ौरन परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि फ़ौरन खांसना चाहिए। खांसी इस तरह की सूरत हाल में जिस्म का पहला हिफाजती हसार होती है। अक्सर कुछ मिनट तक खांसता हुआ इंसान हवा खारिज करने के लिए काफ़ी साबित होता है, जो कांटे को निकाल फेंकती है। इसके अलावा आप फ़ौरन ऐसा कर सकते हैं, घर में मौजूद खुश्क डबल रोटी को गर्म पानी या दूध में मामूली सा डुबोएं और फिर गेंद की शक्ल बना कर उसको निगल लें। ऐसा होने पर मछली के कांटे को भी अपने साथ ले जा सकती है। गले में फंसे कांटे को निकालने में सिरका भी बहुत मुआवन साबित होता है। कांटे को हिलाने के लिए कुछ कतरे सिरके को पीकर भी देख सकते हैं। पानी में सिरके के कतरे मिक्स करके पीना मछली के फंसे हुए कांटे की तकलीफ से निजात दिलाने में बहुत मुआवन साबित हुआ है। और अगर आप सिरका नहीं ले रहे हैं तो आप के घर पे उस टाइम पे लेमन तो होगा ही, जाहिर सी बात है आपने लेमन लेना है। उसके जो कुछ ड्रॉप्स हैं वो आपने अपने गले में निचोड़ लेने हैं। जो लेमन के ड्रॉप्स हैं वो कांटे को गला देते हैं और उससे आपका कांटा इजीली नीचे की तरफ चला जाता है और आपको पेन भी नहीं होती, वो आसानी से निकल जाएगा। या फिर आप रोटी का एक बड़ा सा टुकड़ा लें और उसको आप ज़्यादा मत उसको चुबाएं, उसको निगल लें, उससे भी आपका कांटा रोटी के साथ लगकर आसानी के साथ निकल जाएगा और उससे कोई ज़ख्म भी नहीं होगा, कोई पेन नहीं होगी। और अगर बच्चों के साथ ऐसा मसला पेश आता है तो आप कोशिश कीजिए उन्हें केला खिला दीजिए, केले के साथ भी आसानी के साथ कांटा निकल जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।